आज मैं आपके लिए एक नया सूजी से बना स्नैक लाई हूँ, जो अंदर से बहुत क्रीमी है और यह आपने पहले कभी नहीं खाया है। इस स्नैक में प्रोटीन भी है और इसे मैं हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड में डीजी को सब्सक्राइब कर लें और हम न्यू क्रीमी सूजी स्नैक बनाना शुरू करते हैं। न्यू क्रीमी सूजी स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले एक गर्म पैन में 2 कप पानी डालें। गैस हमने फुल पर सेट की है। इसमें डालें 3/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर मिला दें। इस रेसिपी को हेल्दी रखने के लिए हम इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पानी में उबाल आ जाए तब गैस मीडियम पर सेट करें और इसमें 1 कप सूजी डालकर मिला दें। करछी लगातार चलाते रहें जब तक सूजी सारा पानी अब्सॉर्ब न कर ले। देखते ही देखते सूजी सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेगी और इसका इस तरह डो बन जाएगा। जब सूजी का अच्छे से डो बन जाए तब गैस बंद कर दें और इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट के बाद सूजी फूल गई है तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर इसे थोड़ा गूंथ लें ताकि हमारा सूजी का डो सॉफ्ट हो जाए और हमारे स्नैक्स बढ़िया बनकर तैयार हों। अब स्नैक्स की शेप तैयार करने के लिए एक फ्लैट सरफेस पर थोड़ा ऑलिव ऑयल डालें और इसकी अच्छे से ग्रीसिंग कर लें। हाथों पर भी थोड़ा ऑयल लगाकर ग्रीसिंग कर लें ताकि स्नैक्स बनाते समय डो हाथों से चिपके नहीं। अब डो का 1/2 हिस्सा लें और इसे फ्लैट सरफेस पर रखकर बेलन से बेल लें। इसे हमें रोटी की तरह पतला बेलना है। आप देख सकते हैं हमने इसकी मोटाई कितनी रखी है। अब हमें स्नैक की शेप काटनी है जिसके लिए हमने ये ग्लास लिया है। ग्लास को इस तरह उल्टा रखकर थोड़ा दबा दें। आप चाहें तो किसी भी कटोरी, ढक्कन या कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कितनी बढ़िया शेप्स कटकर तैयार हुई हैं। बचा हुआ मटेरियल उठा लें। इसे हम फिर से बेलकर इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं स्नैक बिल्कुल गोल शेप के कटकर तैयार हुए हैं और सभी स्नैक एक जैसे शेप के होने के कारण ये देखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। अब इस स्नैक को क्रीमी बनाने के लिए हम इसमें पीनट बटर की स्टफिंग फिल करेंगे। ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि पीनट बटर प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, तो इसे हमें अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। मैं यहाँ प्लेन पीनट बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो छोटे बिट्स वाला क्रंची पीनट बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 10-12 चम्मच पीनट बटर इस्तेमाल किया है। पीनट बटर पहले से ही सॉल्टेड है तो हमें कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीनट बटर फिल करने के बाद दूसरे स्नैक को इस तरह ऊपर रखकर दबा दें और इसे हर तरफ से सील कर दें ताकि पकाते वक्त हमारी पीनट बटर की स्टफिंग बाहर ना निकल पाए। इसी तरह हम सारे स्नैक तैयार कर लेंगे। अब हम इन स्नैक्स को स्टीम से पकाएंगे। आप चाहें तो गैस पर भी इन्हें स्टीम करके बना सकते हैं या फिर मेरी तरह बड़े आसान तरीके से राइस कुकर का इस्तेमाल करके इन स्नैक्स को स्टीम से तैयार कर सकते हैं। स्टीम करने के लिए बेस पर ऑलिव ऑयल से थोड़ी ग्रीसिंग कर दें ताकि स्नैक्स पकाते वक्त बेस से चिपके नहीं। एक एक करके सारे स्नैक बेस पर रख दें। स्नैक को स्टीम से पकाने के लिए इस तरह थोड़ा पानी डाल दें और इस पर स्नैक रखकर स्टीम कर लें। आप इन स्नैक्स को फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन फ्राई करने के मुकाबले स्टीम किए हुए स्नैक्स हेल्दी होते हैं, इसलिए आज हम इन स्नैक्स को स्टीम करके बना रहे हैं। 6-7 मिनट स्टीम करने के बाद स्नैक्स बनकर तैयार हैं। ये देखिए स्नैक्स कितने बढ़िया से स्टीम हुए हैं और प्रॉपरली सील होने के कारण स्टीम करते हुए ये बिल्कुल भी खुले नहीं हैं। अब स्नैक्स का तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में तकरीबन 3 चम्मच ऑलिव ऑयल डालें। गैस हमने मीडियम हाई पर सेट की है। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 चम्मच राई डालें।
मसालों में हम डाल रहे हैं 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 10 कड़ी पत्ते और 2 चम्मच नारियल का बूरा डालकर इन सभी को अच्छे से मिला दें। अब इसमें 2 चम्मच टोमेटो प्यूरी डालकर अच्छे से मिला दें। जब मसाले थोड़ा भुन जाएं और उनका कच्चापन निकल जाए, तब तड़के में तैयार स्नैक डालकर थोड़ा सेक लें। इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी थोड़ा सेक लें। स्नैक को अच्छे से तैयार तड़के में लपेट दें, ताकि स्नैक के हर बाइट में मसालों का भरपूर फ्लेवर आए। 2.5 से 3 मिनट दोनों तरफ से सेकने के बाद हमारा न्यू सूजी क्रीमी स्नैक बनकर तैयार है। गैस बंद कर दें और इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लें। तो अब इस स्नैक को मैं आपको बीच में से कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अंदर से कितना क्रीमी है और बाहर से बढ़िया चटपटा बना है। क्रीमी और चटपटे का ये बढ़िया कॉम्बिनेशन यकीनन सभी को बहुत पसंद आएगा। इन्हें टोमेटो केचप के साथ ब्रेकफास्ट में या शाम की चाय के साथ सर्व करें। तो आप भी ये मजेदार रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये एक बहुत हेल्दी और यूनिक रेसिपी है, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे। ऐसी ही और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड में डीजी को सब्सक्राइब कर लें।